नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बीच फतेहपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों से धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इनके बयान की निंदा की है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह के गलत और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में भेदभाव सबसे बड़ा संकट है, ये भेदभाव नहीं चल सकता, हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए, तभी सबका साथ सबका विकास होता है। इससे पहले अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की जयंती है और हम उनको नमन करते हैं। सरदार पटेल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लोग चाहते थे कि पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो अच्छा होता, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है, हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में सिर्फ प्रधानमंत्री ने ऐसी बात उछाली है। मायावती ने भी एक समुदाय विशेष का अपने भाषण में उल्लेख कर उनसे वोट की अपील की थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव गठबंधन की बात करती है तो कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सामना का प्रकाशन रोकने के पक्ष में नहीं। पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। सोमालिया में विस्फोट, 34 लोगों की मौत, 52 घायल। मौर्यो का फैसला, जिस घर में शौचालय नहीं वहां नहीं कराएंगे निकाह। अफगान संसद के अध्यक्ष इब्राहिमी ने कहा कि आतंक की उत्पत्ति पाकिस्तान से।